हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि एक्सपर्ट सिस्टम के ऐसे कौन से एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ कहीं पर भी हम एज अ यूज़ कर सकते हैं किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम को, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था लाइक केमिस्ट्री, प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, डायग्नोसिस एसेट्रा। फर्स्ट पॉइंट जो आएगा आज हम करेंगे, प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग देखे तो 6 पॉइंट है, बट इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, 6 पॉइंट भी आप कहना चाहते हो बोल सकते हो, बट नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम एक्सपर्ट सिस्टम को, इसका तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे नासा में क्या होते हैं, क्या सिंपल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वहाँ पर? नहीं ना, वहाँ पर भी एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में कोई जितने भी वहाँ पर सिस्टम होंगे वो सब अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। वहाँ पर तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है कि एक मिनट ओवर तो दूर गए, एक मिली सेकेंड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ना मिली सेकेंड ज़्यादा ना मिली सेकेंड कम। जो एग्जैक्ट टाइमिंग दी गई है उस एग्जैक्ट टाइमिंग पर ही वो वर्क होना चाहिए, टास्क कम्प्लीट होना चाहिए। जैसे कि टेक ऑफ के लिए कुछ रॉकेट्स हैं, जैसे रॉकेट्स के एग्जांपल ले सकते हैं। रॉकेट्स में भी क्या होता है, टाइमिंग फिक्स होती है कि इतने ओवर पर, इतने मिनट, इतने सेकंड पर ये लॉन्च होना चाहिए, है ना? यही होता है, लॉन्च होने का टाइम अगर ज़रा सा भी इधर से उधर हो जाए, या लैंड होने का टाइम जरा से इधर उधर हो जाए तो क्या हो सकता है, ऑब्वियस बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है साइंटिस्ट का या हमारा जो भी उस एरिया में रहेंगे उनकी लाइफ का, मतलब बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है, एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है कि गलती होने के चांसेस मिनिमाइज होते हैं, बहुत कम हो जाए। अब कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी में, वो देखते हैं। इन द एरिया ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स आर नाउ बिंग बिल्ड फॉर द डायग्नोसिस सिस्टम प्रॉब्लम्स, प्लानिंग मिशन एंड फंक्शंस। जो कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है, तो वो कैसे यूज़ किया जाएगा? इन द एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के एरिया में जो भी सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं नाउ आजकल बिंग बिल्ड फॉर द डायग्नोसिस, वो किस किस काम के लिए बनाए जा रहे हैं? डायग्नोस करने के लिए प्रॉब्लम को, प्लानिंग करने के लिए मिशन, देखो जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस करने के लिए, मिशन को प्लान करने के लिए, और कुछ टास्क या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर NVVX है कंपनी, या कुछ ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम है जो मॉनिटर करता है रडार डेटास को। रडार्स आपने सुनी होगी ना, रडार के जो डेटा होते हैं कलेक्शन, उनको ये मॉनिटर करता है, डेट यूटिलाइज द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द स्पेस शटल्स। ठीक है, स्पेस के शटल्स जो हैं उनकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या है, ये सब साइंस के टर्म्स हैं जो स्पेस में यूज़ की जाती हैं। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम को, इतना लिखना पॉइंट इनफ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर। ट्रबल शूटिंग हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ट्रबल शूटिंग क्या होता है, कुछ भी ट्रबल शूटिंग हो सकती है, जैसे कि हम VGA केबल है जो कंप्यूटर सिस्टम में लगाए जाते हैं वो ख़राब हो जाए, ठीक है, तो CPU ख़राब हो जाए, माउस ख़राब हो जाए, कीबोर्ड ख़राब हो जाए, या जैसे चल रहा है एक्सपर्ट सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम, चलते चलते लाइट की या पावर कंजप्शन की वजह से वो शट डाउन हो जाए एकदम से, तो विंडो करप्ट हो जाएगी। ये सब किस में आते हैं, ट्रबल शूटिंग में। ट्रबल शूटिंग में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना और उसको हम ठीक कर पाए, इसके लिए कौन से एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं और कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम्स आर यूज्ड इन ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर। कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जो ट्रबल शूटिंग में और रिपेयर करने में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल्स, एयरप्लेन स्टार्टिंग सिस्टम, जैसे एयरप्लेन है बाई चांस कभी एकदम ख़राब हो जाए तो वहाँ पर ट्रबल शूटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है कि उसको ठीक किया जा सके। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग मीन्स पैसों से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। कुछ बहुत सारे सॉल्यूशन है, उसमें से किसी एक सॉल्यूशन को पिक करना, ये कह सकते हैं फाइनेंशियल में ये कैसे हेल्प कर सकता है कोई डिसीजन लेने के लिए। सपोज करो कि आपको किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपको वहाँ पर फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फाइनेंस को या नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस में ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री हैज़ बीन वैक्यूज यूजर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टेक्निक्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में तो नॉर्मली ये भी यूज़ किया जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम हैज़ बीन यूज इन सर्वरल फील्ड्स।
एक्सपर्ट सिस्टम जो है बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है ऑफ स्टडी की, इंक्लूडिंग द कंप्यूटर एनिमेशन, कंप्यूटर को एनिमेट करने के लिए जैसे हम कार्टून्स बनाते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में यूज़ होता है, ये भी हमने अभी लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस किया था, इसका भी एक अलग से टॉपिक था कि कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज़ होता है एक्सपर्ट सिस्टम, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में है, इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग में भी आप ये ट्रबल शूटिंग या रिपेयर वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, लैंग्वेजेस में लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको राइट करने के लिए, उससे रिलेटेड सजेशंस देने के लिए एज अ ट्यूटर की तरह भी काम करता है, और बिजनेस स्टडी के लिए, ठीक है, ताकि हम बिजनेस के बारे में सीख पाए। नेक्स्ट आते हैं नॉलेज पब्लिशिंग। नॉलेज पब्लिशिंग में कैसे किया जाता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे जिसे कहेंगे सबसे फर्स्ट स्टेज वाला काम, ये तो करेगा ही करेगा, बाकी सब करे चाहे ना करे, एक्सपर्ट सिस्टम इज टू बी द डिलीवर नॉलेज डैट इज रिलेवेंट टू द यूजर प्रॉब्लम, उसको हमेशा वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहिए जिस तरह का सोल्यूशन यूजर चाहता है। अब यूजर ने इनपुट तो दे दिया अपने अकॉर्डिंग, उसको जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा नहीं मिला, एक्सपर्ट सिस्टम ने अपने अकॉर्डिंग आउटपुट दे दिया, ठीक है, तो उसको आउटपुट कैसा चाहिए यूजर को, जैसा वो चाहता है। अब जैसा तो क्या अब यूजर एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो आउटपुट नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए था। तो एक्सपर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, जिस तरह का यूजर जो है आउटपुट चाहता है वैसा ही वो प्रोवाइड करे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो यूजर चाहेगा उसके कॉन्टेक्स्ट में वो आउटपुट प्रोवाइड कर दे उसे। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस किससे रिलेटेड होता है, मेडिकल फील्ड से, तो मेडिकल डायग्नोसिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट नॉलेज एरिया टू विच द एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज वाज अप्लाइड। ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस एक ऐसी फील्ड है जहाँ कहीं पर भी सबसे ज़्यादा नॉलेज अप्लाई की जाती है एक्सपर्ट सिस्टम की, ये एक्सपर्ट सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो अप्लाइड की गई थी। फॉर एन एग्जाम्पल कौन से है जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे माइसन कह सकते हो, माइसन क्या करता है डिसीजेस और इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड मेडिसिन को भी रिक्वायर करता है, प्रोवाइड करता है, डिस्क्रिप्शन पूरा। माइसन वर डेवलप टू कैप्चर द नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इन्फेक्शन ब्लड डिसीजेस, जो ब्लड से रिलेटेड डिसीजेज होते हैं उनसे रिलेटेड ये सब जितने भी डायग्नोसिस हैं वो करेगा। तो सर ये था हमारा आज का टॉपिक, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। इस वीडियो में ये सब टॉपिक्स को जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे इसमें सब कवर करिए हमने। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत ईजिली डिस्क्राइब किया गया है नोट्स के फॉर्म में। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।